ये खबरें बाकी खबरों से जरा हटकर है। शुरुआत करते हैं थाईलैंड की खबर से। थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकोन की गर्लफ्रेंड सिनीत की करीब 1000 फोटोज लीक कर दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर तस्वीरें न्यूड हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि राजा की पत्नी सुथीडा और गर्लफ्रेंड सिनीत के बीच झगड़े की वजह से ये तस्वीरें लीक कर दी गई हैं। सुथीडा थाईलैंड की रानी भी है। थाईलैंड के राजा की गर्लफ्रेंड सिनीत की फोटोज ऐसे समय पर लीक हुई है जब वो जेल से वापस निकलकर वापस राजा के करीब पहुंची है। पिछले साल अचानक उनकी गर्लफ्रेंड को जेल में बंद कर दिया गया था। उन पर रानी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया था। सिनीत की न्यूड फोटोज थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे एक्टिविस्ट को भी भेजी गई हैं। ये फोटोज 2012 से 2014 के बीच खींची गई है। ऐसा समझा जा रहा है कि खुद सिनीत ने ही इन फोटोज को क्लिक किया था। फोटो लीक होने के बाद राजशाही में भूचाल सा गया। दूसरी खबर भारत में बन रहे एक अनोखे पुल की है। देश का पहला केबल स्टैंड इंडियन रेलवे ब्रिज है, अंजी खाद पुल। जल्द ही ये पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इस पुल को बनाने में इंजीनियर जोर शोर से लगे हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक 292 किलोमीटर लंबा है। ये अधिकतर पहाड़ों में ही बनेगा। इस रेलवे लिंक में 38 गुफाएं होंगी। इनमें से एक गुफा 11 किलोमीटर लंबी होगी। यही नहीं, पूरे रेलवे लिंक में 30 स्टेशन होंगे। माना जा रहा है कि 28,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट 2022 तक पूरा हो सकता है। 473 मीटर ऊंचे इस ब्रिज को 96 केबल सपोर्टर के जरिए बनाया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अंजी ब्रिज की कुछ तस्वीरें पोस्ट की और पुल को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। तीसरी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। धरती के सबसे दक्षिण में स्थित महाद्वीप अंटार्कटिका में भी कोरोना वायरस पहुंच गया है। सिर्फ अंटार्कटिका ही ऐसा महाद्वीप था जो अब तक कोरोना वायरस से बचा हुआ था। यहां चिली के एक रिसर्च सेंटर के 36 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। संक्रमित लोगों में 26 सेना के हैं जबकि 10 लोग मेंटेनेंस के हैं। चिली की सेना ने कहा है कि उन्होंने सभी संक्रमित लोगों को वापस बुला लिया है। अंटार्कटिका ने इससे पहले टूरिस्ट के लिए ट्रैवल बैन कर दिया था ताकि महाद्वीप कोरोना से मुक्त रह सके। वहीं ऐसा समझा जा रहा है कि 27 नवंबर को चिली से कुछ सामान अंटार्कटिका पहुंचा था और इसी से लोग संक्रमित हो गए। न्यूज़ तक ब्यूरो।